तो वही छुपन छुपाई कौन खेलेगा। तो सुन लो, छुपन छुपाई के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा, समझे? Okay. मैं आपको दूंगा 5 मिनट छुपने के लिए, और उन 5 मिनटों में आपको जो है इस पूरे लोकेशन पर, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मैप में, ये पूरा लोकेशन जो है इस पूरे एरिया में, यहाँ से लेके ये चक्कर यहाँ तक, आप कहीं पर भी छुप सकते हो, समझे? इस सर्कल के अंदर अंदर, इस सर्कल के बाहर जो जाएगा वो आउट हो जाएगा, और इस सर्कल के अंदर आप इस पूरे एरिया में कहीं पर भी छुप सकते हो। मुझे मिलेंगे 10 मिनट, मैं आपको उन 10 मिनटों में ढूंढ करके निकालूंगा और जीत जाऊंगा। क्या होगा अगर आप नहीं ढूंढ पाए? कौन बोला ये? मैं बनी। देखो, लगता है कि ऐसा होगा कि मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा तुम्हें 10 मिनट में। तेरे बड़े बड़े कान जो है ना, उससे ज्यादा तेज चलते हैं मेरे कान, समझ में आया? ओके कलुए। साले, तेरे को तो मैं अंदर ही बताऊंगा। और सुनो, सजा क्या मिलेगी अगर तुम पकड़े जाओगे? तो ये दिख रही है ये गन, गोल्डन कलर की, सीधा ये पड़ेगी मत्थे में, समझ में आया? जो भी पकड़ा जाएगा उसको ये गोली खानी पड़ेगी अपने सर में। तो मैं जरा यहाँ पर जा करके काउंट करूंगा 10 तक नहीं, मैं आपको 5 मिनट दूंगा। 5 मिनट में आप सभी को जो है छुप जाना है, ठीक है? क्या सब लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? चलो भाई, मैं यहाँ पर जो है काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। तो क्या सोचा है तुम लोगों ने, कहाँ पर छुपोगे? बे तू कह रहा हूँ कि उन झाड़ियों में छुप जाते हैं। उन सी झाड़ियों में? अरे वहाँ पर आगे एक पजल टाइप की झाड़ियाँ बनी हुई है, वहाँ पर छुप जाते हैं हम दोनों। लेकिन हम तो तीन है ना? हाँ, तो इसको कौन गिन रहा है फ्लैश को? ये तो इतनी तेज भागता है, कहीं भी पहुंच जाएगा। मैं तो बहुत तेज भागूंगा, वो मेरे को पकड़ ही नहीं पाएगा। अरे मूर्खो, उसके पास गन है, एक गोली में वो तुम्हें ढेर कर देगा। तू गोली से तेज नहीं भाग सकता फ्लैश, तो हमें जल्दी से कोई प्लान बनाना होगा छुपने के लिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हम ये झाड़ियाँ दिख रही है आगे? अरे हाँ, ये वाली झाड़ियाँ तो बहुत घनी है, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा हमें इस पजल में। हाँ तो सुनो, हमें इस पजल के अंदर जाके अलग अलग डायरेक्शन में तीनों को छुपना होगा, ठीक है? मैं जाऊंगा सेंटर में पीछे की तरफ, और स्पाइडरमैन तू जाइयो राइट की साइड, और फ्लैश तू जाइयो लेफ्ट की साइड, ठीक है? हमारा छुपने का ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और याद रखो, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें चीखना है ताकि हमें आइडिया आ जाए। मरते हुए तुम्हें एक एक्टिंग करनी है, आ करके तुम्हें मरना है, समझ गए? कैसे करा, एक बार फिर से करके बताना। ठीक है, अब ज्यादा यहाँ पर मजे मत लो, चलो लग जाओ अपने काम पर। चलो भाई, यहाँ पर अब हम छुपे रहेंगे और हमें वो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा, और 10 मिनट में तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो, हमारा तो हो गया, पता नहीं मोटू और पतलू क्या सोच रहे होंगे। अरे मैं तो कहता हूँ हम सब जा करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अरे मोटू, वो बड़ी आसानी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएगा, और फिर हम वहाँ पर पकड़े ही जाएंगे सारे के सारे साथ में। अये माँ, हाँ पतलू ठीक कह रहा है, हमें बिल्डिंग के ऊपर नहीं बल्कि बिल्डिंग के पीछे जाके छुपना चाहिए। जॉन बनेगा डॉन, तुम सब अपनी देखो, मैं तो चला खुद अकेले छुपने, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मरना नहीं है। तुम सब यहाँ पर मरो, मैं तो चला छुपने अकेले, क्योंकि मुझे अपनी अकल काफी है छुपने के लिए, मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। जॉन बनेगा डॉन, मेरे को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर वो चाह के भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। नीचे रह गए, मैं इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करके और इतनी दूर जा करके छुपूंगा कि उसको 7 जन्म लग जाएंगे मेरे को ढूंढने में। अये माँ, यहाँ नीचे उतरता हूँ और इसके पीछे जाके इसके बीच में यहाँ पर छुप जाता हूँ। अब देखेंगे कैसे ढूंढेगा वो मेरे को। अये माँ, वो तो चला गया, अब हमें जल्दी से कुछ प्लानिंग करनी होगी। एक काम करो, मैंने बहुत से चोर ढूंढे हैं, ऐसे गुफाओं में छुपे रहते थे, ऐसी ऐसी जगह छुपे रहते थे कि ढूंढना मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत छुपन छुपाई खेली है अपनी फील्ड में। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि छुपने का तरीका कहाँ पर होता है, छुपने का
एकदम बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। आ जाओ सब के सब मेरे साथ। छत पे तो आ गए, छत से अब हमें ऐसा रास्ता देखना है जहाँ से वो हमें कभी ढूंढ ना पाए। ये वाला रास्ता, अरे हाँ, इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं, अब इन झाड़ियों में आकर के छुप सकते हैं। आ जाओ मोटू पतलू, हम यहाँ पर ऐसे छुपेंगे वो हमें रात तक भी नहीं ढूंढ पाएगा। आ जाओ, बेस्ट आइडिया है ये मेरा। अरे लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा कि हम सब यहाँ पर छुप भी पाएंगे। देखो ना, घास कितनी छोटी है और हम कितने बड़े। अरे मोटू, हम नहीं, सिर्फ तू बड़ा है। इतना बड़ा पेट लेकर के तू घूम रहा है, कैसे छुपेगा? अरे पतलू, ऐसी सिचुएशन में मेरा मजाक मत उड़ा, बहुत सीरियस सिचुएशन है, मुझे जल्दी से छुपने की कोई जगह बता। अरे आगे वाली झाड़ी देख, वो मोटी है, उसमें तू छुप सकता है। कौन सी, ये वाली? ओए हाँ, लगभग तो मैं छुप ही गया, लेकिन मेरी गंजी टाट दिख रही है, इसका मैं क्या करूं? इसका तो मैं कुछ नहीं बता सकता। दिमाग गिर गया मैं। रुको भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई, मैं बड़े खतरे में अभी चल रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े आराम से यहाँ पर चलूंगा और यहाँ पर छुप जाता हूँ। ये बेस्ट जगह है मेरे हिसाब से छुपने के लिए। तुम सब पकड़े जाओगे लेकिन मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। अरे बनी, जल्दी से हमको बताओ कि कहाँ पर छुपना है। वो सब तो छुप गए, इसकी काउंटिंग खत्म होने वाली है, हमें भी जल्दी से छुपना पड़ेगा। सारे आओ मेरे पीछे पीछे आओ, देखो वो यहाँ पर घूमेगा, सुनो सुनो सुनो, वो यहाँ पर घूमेगा और फिर यहाँ से सीधा जाएगा ढूंढने। हम एक काम करते हैं, इसके पीछे से छुप के यही कहीं आसपास छुप जाते हैं, क्योंकि वापस यहाँ तो ढूंढने आएगा नहीं, है ना? तो हम एक काम करते हैं, इधर आओ छुपके से, इधर आना, मेरे पीछे पीछे आ जाओ छुपके से, और हम जो है इस पहाड़ी के जस्ट इधर छुप जाते हैं, और जब ये यहाँ से जाएगा ना तो हम वापस उसी पोजीशन पर चले जाएंगे जहाँ पर ये है, तो वो वहां पर ढूंढने तो वापस कभी आएगा नहीं। अरे वाह बनी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। अरे थैंक यू। अरे बस अब इसका जो है हम वेट करेंगे कि ये यहाँ से जल्दी से जाए, ताकि हम इसकी पोजीशन पर जा करके बैठ सके। 48, 49, 50, हा, मैं आ रहा हूँ, बच के दिखाना मुझसे कहाँ कहाँ छुपे हो, अभी ढूंढ के बता दूंगा मैं। हल्के में लेते हो मेरे को, मैंने बहुत जगहों को ढूंढा है, मेरे को पता है कहाँ कहाँ पर यहाँ पर छुपा जा सकता है। रुको अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक अच्छा व्यू लेने के लिए थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूँ, ताकि भाई मेरे को जो है एंगल मिल जाए अच्छे से हर जगह स्कोप करने के लिए, क्योंकि मैं नीचे नीचे भटकता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं जो है ऊपर आ जाता हूँ सबसे पहले, और ऊपर से अब थोड़ा सा यहाँ से जो है नज़र मार करके देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर जो है दिख रहा है। गाइज, अगर आपको कोई दिख रहा है तो जल्दी से मेरे को बताओ कि आपको कौन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर कोई दिखाई दे रहा है तो, क्योंकि भाई वो छुपे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर होंगे, उनमें से बहुत से लोग प्रो है छुपने में, लेकिन हम भी कोई कम नहीं, हम और ऊपर जाएंगे और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे। याद रखो हमारे पास स्नाइपर राइफल भी है जो कि हम जूम करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इस पजल में शक हो रहा है। ओए यहाँ पर मेरे को कोई दिखा है, रुको मैं जरा स्नाइपर से जूम कर लूं। ये तो भाई फ्लैश है, ये सोच रहा होगा कि मैं इसको कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा जिस हिसाब से ये छुपा है, लेकिन इसे नहीं पता कि यहाँ पर प्रो है, तो ये अब ये जो है जाने वाला है। गाइस काउंट करो मेरे साथ, 3, 2, 1। अरे गोली नहीं लगी इसे तो, ये क्या बात है, रुको। अरे हाँ अब लग गई, ओ भाई वो गोली मिस हो गई थी जस्ट वहां से। भाई ये तो मर चुका है, अब अगर आपको कोई और दिखाई दे रहा है तो अब लेट मी नो गाइस, मैं और कोई यहाँ पर छुपा होगा या नहीं, क्योंकि ये जो लीगो गाइस है, ये लीगो गाइस साथ में ही प्लानिंग बनाई होगी, मेरे को अगर कहीं पर दिखेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मुझे कहीं और दिखाई नहीं दे रहे, ये अकेला था जिसको हमने मार दिया, हमें यहाँ से अगर कोई और भी दिख जाए तो मजा आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, और लगता है यहाँ पर और कोई नहीं छुपा। तो चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे ढूंढने, ऊपर ऊपर बिल्डिंग्स पे हम ढूंढेंगे, हर जगह नजर मार करके देखेंगे कहीं हमें कोई दिख जाए। 22,
गाइस टाइम जल्दी जल्दी यहाँ पर बीत रहा है, तो हमें टाइम का भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चलना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा लोगों को। आप भी मेरी मदद कर सकते हो ढूंढने में। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई कोई ऐसी जगह हमें सोचनी है जहाँ पर लोग छुप सकते हो, जैसे कि इनके पीछे शायद एक बार मैं इसके पीछे चेक कर लेता हूँ। टाइम बहुत कम है, भाग भाग के चेक करना पड़ेगा। इसके पीछे तो कोई नहीं है। इधर चढ़ जाते हैं हम और अब हम चेक कर लेते हैं इसके पीछे, क्या इसके पीछे कोई है, क्योंकि अरे येलो भाई डॉन तो गया यहाँ पर। अब बचे हैं हमारे पास, देखो दो जा चुके हैं, टोटल कितने थे हमारे पास, जल्दी जल्दी से ढूंढ के निकाल लेंगे। ऊपर ऊपर से भागने का ये फायदा है कि यहाँ से हमें दिख जाता है ज्यादा अच्छा, जो है यहाँ से हमें व्यू पॉइंट मिलता है और हम ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं ढूंढते हुए। इसलिए मैं और ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। दो को तो हम टपका चुके हैं, 10 मिनट में हमें सबको टपकाना है। तो भाई जल्दी से यहाँ पर लाइक कर देना अगर मैंने 10 मिनट के अंदर सबको टपका दिया। लेकिन अभी तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई यहाँ पर बंदे छुपे हैं, मेरे को तो कोई अभी फिलहाल दिखाई ही नहीं दे रहा। जब तक दिखाई नहीं देगा तो मैं मारूंगा कैसे? भाई साहब मैं यहाँ से गिर ना जाऊं, अब मैं आगे कैसे जाऊं? एक मिनट रुको यार, यहाँ से थोड़ा सा देख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं गिर गया तो फिर रुक जाओ भाई, बहुत डरावनी जगह है। यहाँ से मैं नीचे उतर के और आगे जा कर के ढूंढ सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अरे यहाँ से तो रास्ता है ही नहीं। एक मिनट देखता हूँ यहाँ से क्या यहाँ से रास्ता है। अरे नहीं है, वहीं से जाना पड़ेगा। बिल्डिंग्स पे जल्दी से घूम के एक बार मैं देख लेता हूँ और ये हम यहीं से कूद जाते हैं। अरे हाँ बहुत बढ़िया, अब हम जल्दी से यहाँ से कूद जाते हैं। अरे तुम गाइस, तुम्हें दिखाई दिए? तुम्हें रुको, एक मिनट, मैं एक अच्छा एंगल पकड़ता हूँ। रुको, मेरे को पता है यहाँ पर कोई है, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता मेरे को। तो उसके लिए हम जाएंगे ऊपर। कहाँ पर है देखो, ये रे, एक मिनट रुको, पहले देखते हैं कितने लोग हैं। ठीक है, चिंगम सर यहाँ पर है, घसीटाराम यहाँ पर है, पतलू यहाँ पर है, मोटू भी तो यही होना चाहिए जब ये चारों यहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, सुनो रुको, मैं यहाँ पर कूदता हूँ और हम इनको सरप्राइज तरीके से मारेंगे। हम बनाएंगे एक बम, ठीक है, हम फेंकेंगे इन पे बम, फेंक दूं ये लो गाइस। अब हम करेंगे थ्री, अरे थ्री पे ही फट गया। गाइस 3 लोग और जा चुके हैं, 5 लोगों को हम जो है खत्म कर चुके हैं। अरे ये टांट किसकी चमक रही है? अरे ये टांट किसकी है गाइस? ये टांट दिख रही है आपको? एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं एंगल कुछ ऐसा पकड़ू जहां से थोड़ा सा टांट और क्लियर दिखे। ये देख रहे हो भाई, ये किसकी अंडेदार हमें खोपड़ी दिखाई दे रही है। मिनट, अब हम भी जो है छुप छुप के देखेंगे कि आखिर वहां पर मोटू। अच्छा हुआ मैं उनके साथ नहीं छुपा, वरना अभी पकड़ा जाता और मेरे को भी मार देता ये। अरे मैं भी मरने वाला। ओ, तेरी मौत आ चुकी है, तेरे मारूंगा मैं पिछवाड़े में गोली। ओ भाई चलो भाई, 5 लोग बचे हैं, 11 लोग खेल रहे थे, अभी 8 लोग बचे थे, मैंने मार चुका हूँ। अरे कहीं मैं ही न मर जाऊं इनको मारते हुए देख करके। चलो उसकी काउंटिंग पूरी हो गई होगी, वो यहाँ से जा चुका है। आ जाओ हम उसके इस साइड आ जाते हैं जहाँ पर वो था। अब हम लेकिन यहाँ पर आकर के छुपे कहाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर पहाड़ी के नीचे आ जाते ताकि वो हमें देख ही ना पाए, है ना। गाइस टाइम बहुत कम बचा है, हमें जल्दी से उनको पकड़ के मारना पड़ेगा। कहाँ गए, कहाँ छुपे बैठे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं एक काम करता हूँ, उसकी लाश के पास जाके देखता हूँ कि यहाँ पर थोड़े से मुझे फुटस्टेप्स देखने पड़ेंगे कि ये जो जिसे मैंने अभी मारा था वो कहाँ गया। अरे कहाँ पड़ी है उसकी लाश, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया भाई। अरे यार कहाँ जाऊँ मैं तो फंस गया, मैं तो इस भूल भुलैया में फंस गया भाई। ओहो यार, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है?
ओ भाई गलती से मेरे को ये मिल गया। एक मिनट, अब तो भाई रुको, क्योंकि देखो इसी जगह पर मैंने जो है मारा था उस फ्लैश को, और इसी जगह पर ये भी फ्लैश है। इसका मतलब जो तीसरा फ्लैश है, जो ब्लैक वाला फ्लैश है, वो भी यहीं पर होगा। अब मेरा काम है उसको ढूंढना। अब उसको ढूंढने के लिए अब मेरे को इस बुश के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्डिंग के ऊपर मैंने चढ़ के देख लिया, मुझे वहां से तो दिखे नहीं। अब मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को चढ़ना पड़ेगा इस बुश के ऊपर और चेक करनी पड़ेगी मेरे को हर एक बुश। चढ़ूंगा तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन कहां पर है, क्योंकि यहां से गाइस मेरे को एक वहां से देख इसलिए नहीं रहा था, मैं वहां पर चढ़ के देख रहा था, ये वाली दीवार इसको बचा रही थी, लेकिन अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अब हम इसको जो है इससे मारे गाइस, आग वाले से मारते। रुको, ये फेंका। ये ले चलो भाई अब बची है बस वो डोरेमोन की गैंग। डोरेमोन की जो गैंग है उसको अब हमें बस पकड़ना है, और फिर जो है हमारा पूरा हो जाएगा खाता। लेकिन भाई वो गए कहाँ, वो यहाँ भी नहीं है, वो बिल्डिंग में भी नहीं है, वो कहीं इधर बाहर की साइड तो नहीं घूम रहे। यहाँ मुझे अब उन्हें देखना पड़ेगा भाई। अगर बाहर हुए तो यार ये चीटिंग है भाई, ऐसे तो पहाड़ इतने सारे है, कहीं भी छुप जाओगे, ऐसे थोड़ी पता चलेगा मेरे को। वापस से बिल्डिंग पर चढ़ करके देखता हूँ, अगर मेरे को दिखते हैं तो वेल एंड गुड, वरना मेरे पास एक लास्ट प्लान बचेगा और वो मेरे को आपको फिर बताना पड़ेगा। थोड़ी सी वो चीटिंग भले ही फील हो, लेकिन फिर मेरे को जो है वो चीज आजमानी ही पड़ेगी गाइज, क्योंकि मेरे को किसी भी हालत में जीतना है। मैं इन गधों से हार नहीं सकता ये चैलेंज भाई। मैं अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा गाइस, टाइम बहुत कम है। अब मेरे को जो है वो अपना लास्ट प्लान पे एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, और मेरा प्लान था ये। अब मैं बैठेगा इस हेलीकॉप्टर में और मैं इस पूरे एरिया को बड़े ही आसानी से यहाँ पर जो है स्कोप कर लेगा। तो चलो फिर उड़ते हैं गाइस, थोड़ा सा ही टाइम बचा है मेरे को, उस थोड़े से टाइम में यहाँ पर जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर अब मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर जो है देख पाऊंगा कि कहाँ पर आखिर वो लोग छुपे हैं। एक मिनट यहाँ पर तो मैंने सबको ढूंढ निकाला। अरे भाई बिल्डिंग्स भी मैंने देख ली, आखिर वो छुपे कहाँ पर है। एक मिनट है सच में। रुको ये दिख रहे गाइस, ये यहाँ पर खड़े हैं, ये यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनको छोड़ेगा नहीं। ये मैं जहाँ पर मैंने शुरू करा, ये लोग वहीं पर आकर के छुपे। ओ भाई कितना दिमाग लगाया ये लोग। अरे भाई मैं तो रुक जाऊं, मैं भी गिरे ही जा रहा हूँ भाई, रुक जाना। अरे मेरा प्लेन सब क्रैश हो गया। अरे हाय भाई बैंड बज गई। लेकिन गाइज लेकिन हम जो है जीत चुके हैं। ये रहा हमारा अब एंग्री बर्ड, वो रहा डोरेमोन हमारा, और ये रहा हमारा बनी। तो भाई हम जो है जीत चुके हैं ये वाला चैलेंज अब बड़ी ही आसानी से। आप बताना गाइज कैसा लगा आपको ये चैलेंज, और क्या आप इसमें जो है अगला चैलेंज आप क्या चाहते हो कि हम कौन सा लेकर के आए। 10 मिनट के अंदर मैंने तो इन्हें ढूंढ लिया, थोड़ी बहुत आप चीटिंग कह सकते हो, लेकिन भाई इन्होंने भी चीटिंग करी, ये इस बाउंड्री के बाहर चले गए, तो भाई ये भी एक तरीके से चीटिंग ही है। ये पहाड़ी की जोन में चले गए, जबकि बात हुई थी यहाँ अंदर की। तो गाइज ये था आज का हमारी वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियोस आके देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।